अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। बस रात से बहुत ज़्यादा बुखार है, बुखार की हद जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी पड़ी हैं, इतना शदीद बुखार था। और अभी फ़िलहाल आज अम्मी के यहाँ कुर्बानी थी, वहाँ जाना था, लेकिन बहुत टाइम हो गया, कुर्बानी भी हो चुकी है, तो हम लोग फ़िलहाल अभी तैयार हो गए हैं बुखार की हालत में। और आज मैं थोड़ा सा सिंपल सिंपल सा तैयार हुई हूँ, कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेरा ड्रेस है बहुत ही प्यारा सा, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बच्चे भी तैयार हो गए और अभी हम लोग जाने के लिए निकल रहे हैं अम्मी के घर। तो ये है मेरा फुल लुक, ये है मेरा ड्रेस, वन प्रिंट वाला, बहुत ही खूबसूरत सा, इतना प्यारा इसका कलर लग रहा है ना मुझे कि बस बहुत प्यारा, ठंडा ठंडा सा। शायद वीडियो में थोड़ा सा डार्क आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर है। ये देखें, तो बस फिलहाल अभी जाने के लिए निकल रहे हैं, इमरान तैयार हो जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं। और आयु ने पहने हैं वही फर्स्ट डे वाले कपड़े, क्योंकि इसमें ये कंफर्टेबल रहती है, रोती नहीं है। मुझे इतने अच्छे लगे ये वाले कपड़े हैं ना इसके। अब आयत के और इसी तरह के कपड़े आएंगे, हो गए वो रेडी। और अयान को नानो क्या कि गाय देखने के लिए जाना था, गाय कट चुकी है और हमें लेट हो गए हैं। हैं, वीडियो देख ली बेचारे ने, घर की हालत बहुत बुरी। और मैं तो ये सोच रही थी कि आज शायद मैं नहीं जा पाऊँगी अम्मी के घर पर, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी, अभी भी शदीद। कल मेरे से एक गलती हो गई है बहुत ज़्यादा, कि मैंने सिर्फ एक ग्लास जो है ना कोल्ड ड्रिंक का पी लिया, वो मेरे लिए अजाब बन गया। मैं कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन बस वो मैंने एक ग्लास पीना था ना, एक मुश्किल हो गया मेरे लिए। हालांकि हर सभी पी रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों मसला कर देता है, फ़ौरन से गला ख़राब, नज़ला, खांसी, बुखार, ये सब। रात सुबह तो इतना बुखार था, तकरीबन 104 के करीब बुखार होगा। फिर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी इमरान ने, तो फिर जो है ना मैं जाके सही हुई हूँ। और आयान तो रेडी बैठा हुआ है, बस इमरान आ जाए। तो बस फ़िलहाल हम लोग जाने के लिए निकलते हैं, बहुत लेट तो वैसे ही हो रहा है। सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर और सिर्फ हम ही लोग रह गए। और आज ईद भी ख़त्म हो जाएगी, थर्ड डे है आज ईद का, बस ईद ईद करते करते। और आज ही बुखार होना था मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है ना। मैंने इतनी तैयारी की हुई थी इस सूट के साथ की कि ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की मर्ज़ी। ऐसे बुखार भी कब, कितने टाइम बाद मुझे इस तरह से हुआ है ना। तो आज तीसरा ईद का दिन भी ख़त्म हो चुका है बस। तो खा नहीं सकती हूँ आपको, फरीन मिठाई खा लो, मिठाई खा लो, डाइटिंग है, डाइटिंग है, डाइटिंग है। बात सुना, आपकी डाइटिंग नहीं है, आपकी डाइटिंग नहीं है, क्यों? तेरी भी नहीं से आई हूँ। जब से बुखार, इतना शदीद बुखार है कि मेरे से उठा नहीं गया, बहुत शदीद बुखार हो रहा है, इतना ज़्यादा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरा दिन हो गया, आज भी पड़े पड़े मुझे 104 106 इस तरह बुखार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। और शदीद किस्म की गला, नज़ला, खांसी इतना ज़्यादा हो गया। अभी भी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए बैठी हूँ। रात को भी जब अम्मी के यहाँ थोड़ी सी वीडियो बनाई थी वहाँ पर, उसके बाद भी डॉक्टर के यहाँ वहीं पर चली गई थी, और वहाँ पे भी ड्रिप लगी एक, उससे भी बुखार नहीं उतरा, इंजेक्शन लगा उससे भी सही नहीं उतरा। मुझे उठने में भी ना चक्कर आ रहा है, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। तो बस आज सारा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, कल का भी ब्लॉग एडिट नहीं किया है, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी करने की। तो बस फिलहाल अभी डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी थोड़ी सी देर, क्या पता थोड़ी बेहतर हो जाए तबीयत। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इतनी तबीयत ख़राब है, आज मेरे बहुत सारी अपॉइंटमेंट थी सैलून में, वो भी सारी कैंसिल की। कि और आई, और आयु को देखें ज़रा, मेरा चश्मा लगाकर दिखाइए कैसी लग रही हैं। इसको बहुत शौक है मेरा चश्मा लगाने का, ये देखें जैसे ममो लगाती है ना, ऐसे लगाती है ये मेरा जैसा। आयु इधर आइए, इसने मेरा चश्मा जो है ना लूज़ कर दिया है लगा लगा कर।
तो अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उठ के आने की इतना तेज़, अभी भी मुझे बुखार है। लेकिन इमरान बनवा कर लाए हैं सारे गोश्त का कीमा, तो मैंने कहा कि ये पैकेट बना दूँ, ये सारा मिक्स कर दें। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची मिलवाई हैं आपने? आयान शॉपर लेकर आओ, पैकेट बना देते हैं, जल्दी लाओ। ये रखिए ना सामने से ले आओ। हैंड वॉश किए थे, बस छोड़ दें इसको, ये तो इसमें मसाला लगेगा। तो ये आयान शॉपर लेकर आ जाओ, लिया है कितने हैं? दो अभी। दो हैं शॉपर, तीन चार ले आओ, ये तो बहुत सारा है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कुर्बानी का हिस्सा जो भी आता है ना अम्मी के यहाँ से, ससुराल से, ये जहाँ से भी, सारा तो बाटी दिया है बस। तो हम लोग इसी तरह करते हैं, जब भी कुर्बानी का गोश्त आता है ना तो गोश्त तो बनाते ही नहीं हैं हम लोग, तो फिर ये कीमा ही बनवा लेते हैं। तो फिर ये होगा कि कीमा जो है ना फिर भी बन जाता है, कुछ शामी कबाब बन जाएंगे या सीख कबाब बन जाएंगे। कितना डालूं? क्योंकि दो अफराद हैं हम खाने वाले, और कितना डालूं देख के डाल दें, थोड़ा सा बचा लें अभी बनाना है। दो तीन अफराद हम खाने वाले हैं, और तो इतना ज़्यादा मैं जो है ना बनाती नहीं हूँ, और फिर जम जाता है तो पूरा ही पकाना पड़ता है। हाँ ठीक है, अभी के लिए बस थोड़ा सा बचा दें ये, और तो डालें, ये तो बहुत कम हो गया। इसमें मैं ऐसा करती हूँ मसाला लगा के, हिम्मत तो है नहीं मेरी, मसाला लगा के कीमा फ्राई कर लेती हूँ, यही सोच रही हूँ करने के लिए। और बाकी गोश्त का नहीं बनवाया आपने कीमा, बस यही है? ये कितना होगा? दो तीन किलो।
उठने के लिए तैयार हो गए, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए, और अभी है बारी फ्राई कबाब को ट्राई करने की। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ये मैंने बनाया कच्चे कीमे के कबाब, बहुत टेस्टी है। और आज मैंने पहली बार जो है ना कबाब टूटे भी नहीं। वजह इसकी ये है कि मैंने इसमें एक तो प्याज डाली तो वो निचोड़ कर डाली, पानी बिल्कुल निकाल कर डाला प्याज का, और दूसरी बात ये है कि इसको थोड़ा मोटा रखा कबाब, टूटे ही नहीं, और टेस्ट इतना मज़ेदार आ रहा है ना, बहुत मज़ेदार। तो अभी कबाब हो गए हैं रेडी काफ़ी सारे, अभी हम बीच में से थोड़े बहुत यहाँ से खा गए हैं और ये अभी बन रहे हैं। इतनी देर में रोटियाँ आती हैं और दही आती है, वो भी शायद आ गई है रोटियाँ और दही, तो बस फिर उसके बाद है ना हम कबाब खाएंगे। कौन आया है? पापा है? क्या लाए? बिरयानी, रोटी और दही। इस साइड में रख दें तो प्याज को, बस मैं अभी रायता बनाती हूँ, उसी देर में मेरे कबाब ये वाले भी फ्राई हो जाएंगे। चलो निकालो ये। थोड़ी सी इसमें चमचा नहीं है, कांटा है। तो भाई देखते हैं कैसे बने कबाब। खैर मैं तो चक्कर आई भी हूँ, मुझे तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे, आप चक्कर बताएं कैसे हैं। अयान कैसे लग रहा है? सबसे पहले अयान ने निवाला लिया, बताओ। मुझे तो बहुत अच्छे कबाब लग रहे हैं, आप बताएं कैसे बने कबाब। बहुत अच्छे बने हैं, टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है ना। आयु आप भी खा लो, खाओगी? आयु तो अपनी बिरयानी प्लेट लेकर बैठ गई है, वो भी नहीं खा रही है। खा रही हो? अयान तो बच्चे कच्चे कीमे के कबाब ही है, और कितनी जल्दी बन गया सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। 15 मिनट मैंने सिर्फ इसमें को जो ना मैरिनेट किया है, 15-20 मिनट, और ऐसा टेस्ट आ रहा है ना इसमें कि बस। अभी खाना खा लूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी मैंने इसमें क्या क्या डाला है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बनाइएगा। तो आज मैंने खाना बहुत कम खाया है क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा मुझसे, खाना इतना बुखार हो रहा है ना, कबाब के शौक में बैठ गई हूँ, लेकिन खाना खाया नहीं गया मुझसे। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और मैंने जो कबाब बनाया ना उसका बताती हूँ मैं क्या। तो मुझे बीच बीच में खांसी हो जा रही है, तो इस तरह से जो है ना मेरे से ब्लॉग बन भी नहीं पा रहा ठीक से, इतना शदीद जो है ना सीना जकड़ा हुआ है शायद, ऐसा लग रहा है। तो बस मुझे खाना भी सही से नहीं खाया गया, थोड़ा सा ही खाया, और दिल ही नहीं चाह रहा बिल्कुल। वो लोग अभी बैठे वो खा रहे हैं, इमरान रयान वगैरह, दस्ता खान उठाऊंगी और उसके बाद चाय बनाऊंगी, शायद डॉक्टर के यहाँ भी चली जाऊँ, क्योंकि फीवर तो मुझे ऑलरेडी अभी भी हो रहा है। तो गाइस मैं खाना खाकर आ गई हूँ, थोड़ा सा ही खाना खाया, बिल्कुल फीवर की वजह से खाना खाया ही नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और जो है ना इस वक्त भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया, डॉक्टर के यहाँ भी जाना है दवाई लेने के लिए। तो बस इमरान के खाने का इंतज़ार कर रही हूँ, वो खाना खा लें। थोड़ी सी भी देर, ज़्यादा देर वीडियो बनाई नहीं जा रही, खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है शरीर वाली, और कबाब इतने टेस्टी बने थे ना, बहुत मज़ेदार। मैंने इसमें जो है ना कीमे में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, सीख कबाब के मसाले का, 2 चमचे डाले थे, ठीक है, ज़्यादा पूरा पैकेट नहीं डाला था, 2 चमचे डाले थे मैंने इसके अंदर। और मैंने इसमें डाला पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी नहीं डाली, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, गरम मसाला, और जो है ना थोड़ा सा जो है ना काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के, और लीमू का रस डालकर, 3-4-5 लीमू के जूस डालकर, और इसको जो है ना मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया, और थोड़ी सी प्याज काट के डाली थी वो भी निचोड़ के।
और ऑलरेडी कीमे के अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना वैसे ही ग्राइंड करवा ली थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैरिनेट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए डिफ्रीजर में रख दी थी। उसके बाद कबाब बनाए, क्या टेस्टी कबाब बने थे, आप भी जरूर बनाइएगा। और इसमें जो टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा आ रहा था ना वो लीमू का आ रहा था। लीमू का जो टेस्ट था ना, बहुत 4-5 लीमू डाले मैंने इसके अंदर, खट्टा खट्टा जो टेस्ट आ रहा था ना वो मुझे बहुत पसंद आया। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मैंने रेसिपी बता दी, आप लोग भी जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनी है। न्यू रेसिपी शायद टाइम मिला तो जरूर बनाऊंगी। तबीयत जरा सी बहाल हो जाए, बहुत खराब हो गई है तबीयत, अचानक से क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।